अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM कंप्यूटर सेंटर ताज शेख अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी नगर कॉलोनी महबूब नगर इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कोर्सेज ऑन कंप्यूटर स्किल फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड MS पावर पॉइंट नोट पैड इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग। एडमिशन स्टार्टेड फ्रॉम 3 May। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 9440248412 और 7989170044। एडमिशन आर ओपन। BRS पार्टी के इंतखाबी मुहिम के तौर पर महबूब नगर मुस्तकर के मोहल्ले मोती नगर में एक इंतखाबी जलसे आम का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी उम्मीदवार BRS हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर M श्रीनिवास रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ साबिक वजीर, इम्तियाज़ इसहाक साबिक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन, अब्दुलरहमान मुजम्मिल साबिक सदर ज़राई मार्केट कमेटी, ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा व दीगर ने शिरकत की, जबकि इस जलसे की सदारत सैयद सिद्दीक हुसैन मुकामी कायद BRS व वार्ड इंचार्ज ने की। इस जलसे आम को मुखातिब करते हुए मस्कुरा बाला कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हज़्ब साबिक इस बार भी इख्तदार हासिल करने के बाद आवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया है और अपनी 6 गारंटियों में से एक भी गारंटी पर अमल आवरी नहीं की गई, जबकि BRS हुकूमत में आवाम की फलाह व बहबूद व तरक्की के लिए सभी इकदाम किए जा रहे थे। इन कायदीन ने BRS उम्मीदवार M श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस जलसे आम में दीगर कायदीन मोहम्मद मकबूल, समको मोहसिन, मोहम्मद अहमद सना, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद नूरुल्ला खान, मोहम्मद हामिद, हारून रशीद, सिराज मारफानी, मोहम्मद जहांगीर, मिर्ज़ा जावेद बेग, मोहम्मद मकसूद, सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी, खादर पाशा के अलावा मुकामी कायदीन मिर्ज़ा एजाज, मोहम्मद आरिफ, प्रभाकर BRS पार्टी वो मुकामी नौजवान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज इसहाक साहब, हमारे जनाब सिद्दीक साहब, प्रभाकर साहब, एजाज और हमारे आरिफ भाई वार्ड प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट यहाँ पर साजिद भाई, सभी को मैं सलाम अर्ज करते हुए आप सब लोगों की तवज्जो यहाँ दिलाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो आज इलेक्शन आया हुआ है MP इलेक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। लास्ट टाइम जो BRS गवर्नमेंट थी 10 साल में आप लोगों के लिए क्या करी वो BRS गवर्नमेंट, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद अब ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई भी है, ये क्या बोल के आई और क्या कर रही है इसे देखिए। हर कांग्रेस वाले भी आएंगे, BRS वाले भी आएंगे और दूसरे पार्टी वाले भी आएंगे, सब जने अपनी अपनी बात रखेंगे। आप लोग सोचिए कि कौन सी पार्टी वाले क्या बोले और कौन सी पार्टी वाले क्या कर रहे। आज BRS की गवर्नमेंट में 10 साल में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाईचारगी से सब लोग मिलके अच्छा रहे, पीसफुल रहे। यहाँ पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये BRS गवर्नमेंट कैसे और सबको कैसा हटाना बोलकर सोच के नए नए स्कीम्स और कुछ नए नए स्कीम्स खोली। जैसा कि शादी मुबारक आ रहा था, यहाँ पर इससे पहले शादी मुबारक आप लोगों ने लिए आया, इससे पहले आया KCR से आपकी गवर्नमेंट रहे पर शादी मुबारक आया हमारा कल्याण लक्ष्मी वचिंदा अपुर तीसुनारा कल्याण लक्ष्मी। इपड़ो आज शादी मुबारक के स्कीम 1 लाख के साथ 1 तोला सोना फ्री दे तुम बोले, 1 तोला सोना फ्री आया आ रहा, 1 तोला सोना आया नहीं आया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो करंट का प्रॉब्लम है, कई इश्यूज का प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट को कोई वोट देने की जरूरत नहीं है और BJP को भी कोई वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट है मनोज श्रीनिवास रेड्डी साहब बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है, एक क्लीन चिट कैंडिडेट है और हमारी जो पार्टी है KCR साहब की पार्टी बिल्कुल एक अच्छी सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर पार्टी को वोट दीजिए और KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले दिनों में MP बहुत इंपॉर्टेंट रहता, कंपलसरी BRS पार्टी को कार के निशान को वोट देना और मनोज श्रीनिवास रेड्डी साहब को यहाँ पर जिताना। तुमरान
जब आपसे वोट मांगने के लिए आए थे कांग्रेस के दौर में, आपको झूठे वादे करके जो है आपके वोट हासिल करके आज 5 महीने हो गया, कोई ऐसी स्कीम जो है आप तक नहीं पहुंचाई, चाहे वो 200 यूनिट करंट हो, चाहे वो शादी मुबारक के तहत 1 तोला सोना हो। 5 महीने के दौरान आपको मालूम होना चाहिए 90,000 गरीब शादियां हुई, लेकिन हुकूमत रेवंत रेड्डी की किसी एक को भी 1 तोला सोना नहीं किया। तो आपको आपको महसूस होना चाहिए कि झूठे वादे थे। तो ऐसे बहुत से झूठे वादे हैं जो आप तक कांग्रेस हुकूमत ने जो है आपको वोट लेके आपको जो है धोखा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब केसीआर साहब हुकूमत बनाए तो सबसे ज्यादा जो है उन्होंने क्या किया कि तालीम के जो मुसलमान जो हमारे क्रिश्चियन भाई जो तालीम से दूर है उनके लिए जो है आज ये बताना है कि तेलंगाना हुकूमत हर स्कूल में मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम किए है। लिहाजा शादी मुबारक को मैनॉरिटी पहला वोट दिए हैं और बिल्डिंग स्कूल के लिए गए हैं और महिला में भी क्या मालूम है तकरीबन महिला में तकरीबन फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से और और महीने में एजुकेशन लोन के लिए 5,20,000 रुपए दिए हैं, महीने में 2 वर्ष सेक्शन में है और इंजीनियर साहब साहब की तरफ से बच्चों को एजुकेशन के लिए अब्रॉड एजुकेशन के लिए दिया गया है। और हमारे मंजय श्रीनिवास रेड्डी साहब जी एमपी साहब के पास परसों फरवरी 30 तारीख को जाकर वजीर साहब के लिए मैं बात कर रहा, वहाँ पे वजीर के लिए अमाउंट की आपसे बोले 5 लाख की आपसे बोले कि वो वादा करे करके 10 दिन में मेरे को 5 लाख का सैंक्शन करे, वो भी काम एंडिंग पे है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका आगाज होगा। और जैसो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों से बीआरएस पार्टी को गांव के निशान को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा अफसर से जुटाइए। शुक्रिया पूरा आपको। हमारे असेंबली में बीजेपी वाला कांग्रेस सपोर्ट कर रहे, आज पार्लियामेंट में कांग्रेस वाला बीजेपी सपोर्ट कर रहे, ये सही है नहीं है आप लोग थोड़ा पता लो, मालूम कर लो क्या बोला सियासत क्या बोला देखो। अरे असेंबली में आप दल है, पार्लियामेंट में आप दल, मुसलमानों का हम दल कैसे मैनर वाले ऐसा लगा सकते क्या था? बोल तो एक व्हाट्सएप में बोल तो वही देखे काम ये घर में आके देखे हाँ ऐसा है करते डालते हैं बोलते वो चक्कर में है। आप क्या कर रहे आप सोच रहा ये महेंद्र सुनसान रहे ना, महेंद्र अच्छे रहे ना, तेलंगाना अच्छे रहे ना रहे ना बाहर अच्छे रहे ना रहे ना कर्फ्यू वन फंड अच्छे फिर ना रहे ना पानी अच्छा आना नहीं आना बिजली अच्छा आना नहीं आना पेंशन अच्छा आना रहे ना कुछ करना 200 रुपये पेंशन 7,000 लोग दिए तो 2,000 पेंशन 20,000 लोग दे रहे 30 लाख 30 करोड़ रुपीज सीएम साहब बोले केसीआर साहब 30 करोड़ रुपीज 30 करोड़ रुपीज सिर्फ चेक से दिया सीएम रिलीफ फंड का आप लोग उसमें 70% 60% माइनॉरिटी से चेक। अब एक जगह कुछ पैसा है सीएम रिलीफ फंड चेक करा देखो आज तो शादी मुबारक चेक चेक बोन हो रहा कितना कितना बोल रहा हूँ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने लोकल वाला है एमपी साहब डेली उसका घर उसका गांव कहाँ है नवपेट का है डेली उधर आते जाते नजदीक है बहुत नजदीक है। अगर आपको कुछ काम है तो सुबह वहां बैठे तो दिखता हूँ 1 घंटे में जाता आता रात में क्या है एमपी साहब बोलते गुटा में सुबह देखे तो पकड़ सकते नहीं तो ऑटो में वहां जा सकते आटे में वहां जा सकते गांव में पकड़ सकते समझ सकते मैं तो भी रहता हूँ। आज देखो तेलंगाना पूरे तेलंगाना में कब आता इलेक्शन अया खत्म कर दिया एप्पुडु इलेक्शन वस्तुंदि असेंबली मल्ला केसीआर केयाली कार गुर्तु केयाली तेलंगाणा प्रजलु निरसिस्ता उन्नारु कैसा बोलते उन लोग कैसे सुनते एक सोना एक तोला तो बोलते बोलो 1 लाख शादियों को 2-3 महीने में 1 लाख शादियों को पैसे नहीं आया 1 लाख शादियों को सोना नहीं आया 1 तोला सोना नहीं आया इतना झूठ बोले तो भी आओ
आप वोट डाले तो 2500 पेंशन भी निकाल लेता, फिर 15 दिन के बाद पाने जैसे होता। उन लोग हारे, उन लोग क्या करते रहे बोले, श्रीनिवास गौड़ वो करा, श्रीनिवास गौड़ क्या करा, मैं क्या गलत करा, आप लोगों को 2000 पेंशन दिया से कम करा, गलत करा, आप लोगों के ऊपर कोई भी न्याय जैसा करे सब गलत करा। ये मैडम में 144 सेक्शन खर्च होते थे, वो नहीं बोला, वो मैं गलत करा, वो दादागिरी है। आप लोग करे कोई भी न्याय जैसा करा हम लोग, वो गलत है। एक औरत अकेले जा सकते न्यूटन इधर आ सकते, एक औरत अकेले हैदराबाद जा सकते बस स्टैंड से इधर आ सकते, कोई ऐसा दिखा देखने में भी कोई नहीं, उतना भरोसा दिया औरतों ने। अंधे लोगों बोल रहे हैं, उन लोग भी सुन के अच्छे है बोलते बोलते, दुबई वाला महंगा क्या वाला भाई बोल के बोला, हम देखने के लिए खेलने के लिए जू पार्क जाते थे, यहाँ अच्छा जू पार्क ऐसा पार्क बनाया, शिल्पारम्भ बनाया, टैंक बंड बनाया, हजोर बना रहे, हजोर का ऐसे आ गया, मैं जाए तक वैसे हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर स्लैब द्वारा वैसी है, 120 करोड़ से स्कूल कर रहे विराट एफेक्ट में, 5-6 स्कूल से जूनियर कॉलेज, ये तेलंगाना किधर भी नहीं, एक कॉलेज में 6 स्कूल से जूनियर कॉलेज किधर भी नहीं, फिर वैसे है 20 सेकंड में 120 करोड़ से काम शुरू कर, एक ब्लॉक स्लैब हो गया खत्म, नवंबर के बाद वही खत्म, नवंबर में हजार ऐसी है, पूरे के एक काम वैसी है। आशीष काना मोदी नगर आशीष काना बनाया कब्रस्तान के बाद, आप जो बोलते हो करे आप, असल मी की इन्नी पनलु చేసిన తర్వాత ఏం ఏం కాంగ్రెస్ కోట్ చేయాలని అనిపించదట, ఎంత మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చారు, మీ భర్తలు కానీ మీ తమ్ముళ్ళు కానీ మీ అన్నలు కానీ మీ అక్కలు కానీ హాస్పిటల్ పోతే సస్తమా బతుకుతామా అని భయపడేది, హాస్పిటల్ బాగు చేస్తే, ఇంకా గాంధీ ఉస్మాని హాస్పిటల్ పోతున్నారు, క్యాన్సర్ అంటున్నారు, రకరకాల బీమార్లు వస్తాయని బస్ స్టాండ్ ముందర పెద్ద హాస్పిటల్ కడుతున్నారు, నమస్కారం ఓతో వినేది కాదు జాతర ఒక రాధి ఒక అరే ఇంత బడ హాస్పిటల్ కిస్కే లియే, కిస్కే లియే బనా రే బోల్కి నా భాయ్ నమస్కారం నమస్కారం ఆపే ఘర్ మే గుడే మే కుచ్ హోగా తో ఆపే జరూరత్ నే ఫైనాన్స్ సే జ్యాదే పతా కే ఆ సకతే ఉత్నా సౌలత్ మే కరా ఉత్నా సౌలత్ కిక్ సే లియే ఆపే లియే హాస్పిటల్ మే లియే అరే ఉధర్ కర్నా లైట్ కర్నా భాయ్ దిగా బాజు బాజు దిగా కోయ్ భీ నే దిగా इतना सौ इतना 10 साल आप काम करे सो लोग छोड़ दिया, 10 दिन में ऐसे लोगों को पकड़ लिया, 100 दिन में खत्म कर दिया, इतना साल करे सो काम होया क्या करे बोलो, बीजेपी बिहार से गए तो ये घर है, बीजेपी बिहार से गए तो मेरे को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी मिलकर मेरे करे, अगर बीजेपी तो मैं बीजेपी और अगर हम पार्लियामेंट में जीता है तो इधर हमारे भाई श्रीनिवास गौड़ भी जरा रिलैक्स होता है, इस वजह से हम पूरा इसका पर लड़ रही है, उनको कम से कम मेरे अंदर जब तू ना मन को स्वातंत्र वी इंत अभिवृद्धि जरगले 2014 कंटे मुझे नीलू लेकुंटे महबूबनगर चाय तागतने होटल नीलिस्तुंडे आ विषय मनम अंदर तेज उ కరెంటు లేకుంటుండే కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మా ఇంత మహబూబ్ నగర్ అని తెలంగాణలో ప్రతి పట్టణం అభివృద్ధి చెంది ఇంత గొప్పగా ఆర్థిక పరిస్థితి పెరిగిపోయిన స్థితిలో ఈరోజు మరి మీరు ఏం ఆశించారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఇలా ఎన్ని ఒక్కటి అలవిగాని హామీలు అంటే చేతగాని హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు మీ అందరినీ మభ్యపెట్టి ఇలా ఓటేపించుకొని ఇలా ప్రభుత్వం పాలిస్తున్నారు, ఆ క్రమంలో ఇలా కనీసం మహిళలకు ఇలా ఊళ్ళల్లో వ్యవసాయాలని కరెంట్ ఇచ్చిన గతంలో నీళ్ళు పంచి ఇచ్చిన గొప్పగా పంటలు పండి ఇలా ఇక్కడ కూడా వ్యవసాయదారుల్లో చూపి అందరం తెలిసే విషయమే, ఇలా మహబూబ్నగర్లో ఉండే మహిళలకు బీద మహిళలకు షాదీ ముబారక్ ఏదైతే కళ్యాణ్ ఉన్నదో ఇలా కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎంత గొప్పగా ఇచ్చిండు, ఇలా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏ పథకం లేదు మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మీ షాదీ ముబారక్ కింద దాంతో పాటు తుల బంగారం ఇస్తారన్నారు కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, అది బాగా ఆలోచన తీసుకోండి, మీరు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు దీంతో పాటు కళ్యాణ లక్ష్మీ షాదీ ముబారక్ ఇచ్చుకుంటూ మహిళలను
కాపాడుకోవాలని బీదమేలు కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఇయల వాళ్ళు గర్భవతి అయినప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎంబడి ఉండి ఆశా వర్కర్లు పెట్టి మందులిచ్చి ఇలా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి ఎంబడి ఉండి డెలివరీ అయినాక మగపిల్ల ఆడ పుడితే 12,000 ఆడపిల్ల పుడితే 13,000 ఈ విధంగా ఇచ్చి అంటే ఒక కుటుంబంని ఎట్లా చూసుకుంటాడో కేసీఆర్ గారు ఆ విధంగా చూస్తున్నాడు. YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।